गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फ्रॉम द चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड टुडे वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर. सपोज यू आर गिवन अ नंबर 10,000. 10,000 दिया हुआ आपके पास, आपको चेक करना है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है. फर्स्ट यू स्टार्ट विद द पेयरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड. ये फर्स्ट पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर हुआ, तीसरे पेयर में एक ही डिजिट है तो इसको क्या किए, आगे में ज़ीरो लगाएं और ज़ीरो लगाने के बाद इसको पेयर बनाएं. पेयर बन गया सारा. आफ्टर दैट यू थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द फर्स्ट पेयर. पहला पेयर में आपका वन है तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके बराबर है या फिर इससे छोटा है. तो वन का स्क्वायर वन आएगा. टू स्क्वायर इज फोर, तो फोर तो बहुत बड़ा है. वन स्क्वायर इज जस्ट इक्वल. हम क्या किए यहाँ पे डिवाइजर में वन रखें और यहाँ पे क्वेश्चन में भी वन रखें. वन इंटू वन यू विल गेट वन. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस थिंग यू विल गेट एवरीथिंग गेट्स कैंसल्ड आउट. आफ्टर दैट ये जो दूसरा पेयर है आप उस दूसरे पेयर को नीचे लाते हैं. जीरो जीरो नीचे आ गया. आफ्टर दैट यहाँ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस क्वेश्चन वाले नंबर को, क्वेश्चन में वन है, इसको डबल किए. वन को डबल करेंगे टू आएगा और ये जो डबल करने के बाद जो नंबर आया है उसको आप यहाँ पे डिवाइजर में लिखते हैं. वन है, वन को डबल किए टू आया तो यहाँ पे उसको आप डिवाइजर में लिख दिए. डिवाइजर में लिखने के बाद उसके बगल में एक ऐसा डिजिट आपको भरना है. इस टू के बगल में एक ऐसा डिजिट आपको भरना है और वही डिजिट आपको यहाँ भी रखना है. किस बॉक्स में जो नंबर होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा ये दोनों का मल्टीप्लाई इस जीरो से बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए. बड़ा नहीं चलेगा, बराबर या फिर छोटा. तो अगर यहाँ पे हम वन रखते हैं तो 21 हो जाता. ये 21 हो जाता और यहाँ पे भी आपको वन रखना पड़ता. 21 इंटू वन डेट वुड कम 21. इट्स क्वाइट लार्जर. देयरफॉर वॉट यू डू, यू पुट जीरो ओवर हियर. अगर यहाँ पे हम जीरो रखते हैं तो यहाँ पे भी हमको क्या रखना पड़ेगा, जीरो. ठीक है, तो 20 इंटू जीरो यू विल गेट जीरो. तो 20 इंटू जीरो यू हैव गॉट जीरो. ये सारा चीज़ कैंसिल आउट हो गया. अब ये जो अगला पेयर है, अगला पेयर इसको नीचे लाइए. ये पेयर नीचे आ गया. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपका है, क्वेश्चन में अब आपका क्या आ चुका है, 10. अब इस 10 को डबल कीजिए. 10 डबल होगा क्या बन जाएगा, 20. क्लियर. अब इस 20 के बगल में, यहाँ पे जो 20 आपका आया है, इस 20 के बगल में आपको एक ऐसा डिजिट रखना है और वही डिजिट आपका ऊपर में भी जाएगा. 20 बगल में एक ऐसा डिजिट आपको रखना है सच दैट ये पूरा नंबर और ये यहाँ का ये डिजिट जो है ये मल्टीप्लाई करने पे जीरो से बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए. तो इफ़ यू पुट वन ओवर हियर, वन अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये 201 हो गया. 201 तो आपको यहाँ भी वन पुट करना होगा. तो ये 201 इंटू वन इट वुड कम 201 एंड ये ज़ीरो से तो बहुत बड़ा हो गया. बड़ा नहीं चलेगा, बराबर हो, ज़ीरो के बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए. व्हाट यू डू, यू पुट जीरो ओवर हियर 200 और यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा, जीरो. तो ये 200 इंटू जीरो व्हाट विल कम, 200 इंटू जीरो यू विल गेट जीरो. 200 इंटू जीरो यू विल गेट जीरो. एवरीथिंग गेट्स कैंसल्ड आउट. तो आपका जो क्वेश्चन में वैल्यू जो आया है दैट इज 100. दैट मीन्स ये जो यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 इज 100 एज 100 कम्स इन द क्वेश्चन पार्ट. नाउ सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11025. इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है. व्हाट यू डू, यू राइट 11025. फर्स्ट यू स्टार्ट विद द पेयर. राइट हैंड से पेयर स्टार्ट किए. एक पहला पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर है. वन अकेले हो गया तो इसको पेयर में बनाने के लिए क्या किए, पहले आप एक जीरो लगाएं, जीरो वन हो गया. अब इसका ये पेयर बन चुका है. फर्स्ट नंबर व्हाट यू राइट, यू फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन वन और इक्वल टू वन. तो यहाँ पे वन अगर रखते हैं तो वन
का स्क्वायर 1 1 × 1 यू विल गेट 1, इट गेट्स कैंसल्ड आउट। उसके बाद ये जो दूसरा पेयर है वो नीचे आएगा, दूसरे पेयर में क्या है 10, ये 10 नीचे आया। ठीक, क्वेश्चन में जो नंबर है, क्वेश्चन में आपका 1 है, 1 का डबल किए 2, 2 यू विल राइट इन द डिवाइजर। क्लियर। अब यहाँ पे आपको जो नंबर भरना है, यहाँ पे जो नंबर आएगा और यहाँ पे जो नंबर होगा, ये आपका ये बॉक्स का जो प्रोडक्ट है, अगर यहाँ पे आप 20 भरते हैं, यहाँ पे 0 भरते हैं तो ये 20 हो जाएगा, आपको यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 21 होगा, 21 इंटू 1 करना पड़ेगा। व्हाट यू फिल ओवर हियर सच दैट इट इज़ लेस देन 10, तो व्हाट यू डू इफ यू पुट 1 इट विल बिकम 21। अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये 21 हो जाएगा, तो 21, और यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा 1, 21 इंटू 1 इट वुड कम 21, दैट इज मोर। व्हाट यू डू यू पुट 0 ओवर हियर, 20 बन गए और यहाँ पे भी आप क्या रखें 0, तो 20 इंटू 0 इट विल कम 0, सो व्हेन यू माइनस यू विल गेट 1 एंड 0। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, जो नेक्स्ट पेयर है 25, ये नीचे आ गया, पेयर नीचे आ गया। क्वेश्चन में जो आपका नंबर है, क्वेश्चन में आप क्या क्या आ चुका है 10, अब इस 10 को आप डबल करते हैं, 10 का डबल क्या हो जाएगा 20, एंड यू राइट इन द डिवाइजर, 20 लिख दिए डिवाइजर में। उसके बगल में आपको एक नंबर रखना है, जो नंबर यहाँ फुलफिल कीजिएगा वही नंबर आपका यहाँ पे भी आएगा। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 201, आपको यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा 1, और ये 201 और ये 1 यहाँ जो आप रख रहे हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 201 इंटू 1 इट विल कम 201 एंड इट्स क्वाइट स्मॉल। सो व्हाट यू डू यू टू पुट 2 ओवर हियर, तो 202 हो जाएगा ये, फिर आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 2, तो 202 इंटू 2 इट वुड कम 404। Randomly we checking with 3 and 4, you come to the conclusion that when you put 5 over here, अगर यहाँ पे 5 रखते हैं और यहाँ पे भी 5 रखते हैं तो 205 into 5 you will get 1025, 205 यहाँ पे और यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5 रखे और यहाँ पे भी 5 रखे तो 205 into 5 it will come 1025 and everything gets cancelled out, therefore we come at the conclusion that 105 is the square root of 11025. In this part of the video, we'll discuss some previous questions which were given as homework to you. The first question, you were given to find the square root of 2601. What you do? First, you place the नंबर्स इन पेयर, दिस द फर्स्ट पेयर, दिस इज द सेकेंड पेयर। अब आपको एक ऐसा नंबर खोजना है जिसका स्क्वायर पहले पेयर से छोटा हो, वो नंबर कौन सा होगा, दैट वुड बी 5, 5 स्क्वायर इज 25, यू राइट 15 ओवर हियर, एक 5 यहाँ पे आया, दूसरा 5 यहाँ पे, एक 5 डिवाइजर में, एक 5 क्वेश्चन में, 5 इंटू 5 यू विल गेट 25, 26 माइनस 25 1। उसके बाद ये जो दूसरा पेयर है वो नीचे आएगा, पूरा पेयर नीचे आ गया, 01 है दूसरा पेयर में, 01 नीचे आ गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो 5 लिखा हुआ है इसको आप डबल किए, क्वेश्चन में 5 है तो डबल किए 10 आया, और ये जो 10 आएगा इसको आप लिखेंगे कहाँ पे, यू राइट इन द डिवाइजर, डैट बिकम्स अ न्यू डिवाइजर। अब आपको यहाँ पे एक नंबर भरना है, यहाँ पे 10 लिखने के बाद एक बगल में एक ऐसा नंबर भरना है, और वही नंबर यहाँ पे भी भरा जाएगा कि इन ये नंबर और ये यहाँ पे जो नंबर आप भरे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई 101 से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। इफ़ यू पुट 1 ओवर हियर 101, और यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा 1, 101 इंटू 1 यू विल गेट 101, 101 माइनस 101 एवरीथिंग गेट्स कैंसल्ड आउट, नथिंग इज लेफ्ट, देयरफॉर इन द क्वेश्चन पार्ट यू गेट 51, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2601 इज 51। Now the next question, second question, you have to find the square root of 2401. What you do? First you write the numbers in pair. Ye pehla pair hua starting from the right, ye dusra pair hua. After that, you have to find the largest number whose square is less than the or equal to than the first pair. To 24 se chhota square hoga aapka 16, 25 to bada ho jayega, that is 5 square, 16, 4 एक क्वेश्चन में, एक डिवाइजर में और एक क्वेश्चन में, 4 इंटू 4 यू विल गेट 16,
सब्ट्रैक्ट किया गया, यू गेट 8। आफ्टर दैट यहाँ जो पेयर है आपका, जो दूसरा जो पेयर है 01, ये 01 नीचे आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में जो आप नंबर लिखे हैं 4, क्वेश्चन में आपका 4 है अभी, तो 4 को आप डबल किए, 4 डबल होगा 8 बनेगा। 8 कहाँ लिखा जाएगा, 8 विल बी रिटन इन द डिवाइजर पार्ट, डिवाइजर यू हैव रिटन 8, इसके जस्ट बगल में 801 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो डिवाइजर का पार्ट होगा वहाँ पे आप 8 लिखें। अब उसके बगल में एक नंबर ऐसा भरना है, 8 के बगल में एक ऐसा नंबर रहेगा, और वही नंबर आप कहाँ भरेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट में भरेंगे, जो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 801 से बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए। तो व्हाट यू डू, यू चेक ऑन 9, अगर यहाँ पे हम 9 भरते हैं तो 89 हो गया, ये 89, और यहाँ पे भी क्या रहेगा 9, तो 89 इंटू 9 यू विल गेट 801, इट गेट्स कैंसल्ड आउट। देयरफॉर इन द क्वेश्चन यू हैव गॉट 49, तो 2401 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 49। द थर्ड क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1444। सबसे पहला प्रोसेस, यू अरेंज द नंबर इन पेयर 1444, ये हुआ पहला पेयर, ये हुआ दूसरा पेयर, पेयर में अरेंज हो गया। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन 14 और इक्वल टू 14, 16 बड़ा हो जाएगा, तो व्हाट यू डू, 9, यू यूज 9, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, तो 3 एक यहाँ और एक 3 यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 9, व्हेन यू सबट्रैक्ट इट 5 विल कम। आफ्टर दैट दिस वे दिस सेकंड पेयर कम्स डाउन 44, यहाँ पे जो 3 है इस 3 को आप डबल किए, यहाँ पे जो 3 है आप इस 3 को डबल किए, और 3 कहाँ पे लिखा जाएगा, इस 544 जो नया जो डिविडेंड बना है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में ये बनेगा आपका डिवाइजर, 3 को डबल किए 6 आया। अब 6 के बगल में एक ऐसा डिजिट आपको फिल करना है, और वही डिजिट कहाँ आपका रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, कि ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका 544 के बराबर होना चाहिए। इफ़ यू चेक ऑन 8, अगर ये 8 पे चेक करते हैं तो ये आपको बन जाएगा 68, ये 68 हो गया, और यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा 8, ये 68 और ये 8 मल्टीप्लाई हुआ, 68 एंड 8 यू विल गेट 544, 68 इंटू 8 544, पूरा कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर, देयरफॉर 1444 इज द स्क्वायर ऑफ 38।